दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, पूरा वीडियो देखिएगा दोस्तों, क्योंकि एक ही वाक्य में एक ही लाइन में हम पूरी बात नहीं बता सकते, इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखना। ब्रह्मचर्य संकल्प बार बार क्यों टूट जाता है, 5-10 दिन में क्यों टूट जाता है, ब्रह्मचर्य में नाइटफॉल क्यों होता है, तो शुरू करते हैं दोस्तों। क्या होता है दोस्तों, जब एक इंसान 5-10 साल से जो हस्त मैथुन करता आ रहा है, अब उसको एकदम से अपनी दिनचर्या बदल दी है, अब वो ब्रह्मचर्य की ओर बढ़ रहा है, जिसमें उसे अपने वीर्य को बाहर नहीं निकालना है, अब उसे काम वासना रूपी एक उसमें नहीं गिरना है, ठीक, अब वो ब्रह्मचर्य की ओर बढ़ रहा है। तो अब जब इतने समय से हम जो एक्टिविटी करते आ रहे हैं ना, तो एकदम से जब हम ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं ना दोस्त, तो क्या होता है ना, बीच बीच में कई बार रुकावटें आती हैं। पहले दिन अपने आप को ऊर्जावान महसूस करते हैं, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, फिर बीच बीच में कुछ ना कुछ एक्टिविटी हमारे रूटीन में कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जिससे हमारे अंदर फिर से जो है काम वासना की इच्छा जागने लगती है। ये दिमाग, ये शरीर हमारा कहीं ना कहीं हमें एक संकेत देता है कि अब खड़ा हो जा, छोड़ ये ब्रह्मचर्य और फिर से कर तू हस्त मैथुन का, पढ़ाए सब चक्करों में। ये कहीं ना कहीं उन्हीं एक्टिविटीज जो हम 5-10 साल से जो हस्त मैथुन करते आ रहे हैं ना, जो हमारे शरीर की नस नाड़ियों को जो आदत पड़ गई है, वो फिर से हमें उसी ओर धकेलने की कोशिश करती है। तो कई बार इसी वजह से भी नाइटफॉल हो जाता है दोस्तों। जी हाँ, कई बार हो जाता है, क्योंकि हम एक क्रिया जो काफी समय से करते आ रहे हैं ना, उस पर अब हमने अंकुश लगाया, एक रोक लगाई हमने उस पर, तो ये थोड़ी दिक्कत होती है, जिसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। दूसरा, आपका एक्टिविटी और जो रूटीन है, पूरा वीडियो ध्यान से देखना आप लोग, जो रूटीन है, अब आपका मोबाइल फोन अच्छा है मानता हूं, लेकिन आजकल आप देख रहे होंगे बेवजह लोग स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, बेवजह, कोई हाथ में खुजली मचती है, कुछ नहीं भी देखना होगा फिर भी बोर हो रहा है, मोबाइल उठाया और जल्दी से सोशल मीडिया खोली और फटाफट स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, देख रहे हैं, उसी स्क्रॉलिंग में कहीं किसी लड़की की छवि देख ली, कोई वीडियो देख लिया, कोई रोमांटिक वीडियो देख लिया, कुछ गलती से ही आप नहीं देखना चाहते, लेकिन आगे आपके सामने आपने देख लिया, अब उस छाया चित्र को देख के आपके दिमाग में लग गई चिंगारी, अब वो चिंगारी बनेगी आंख और आप भड़क जाओगे। समझ रहे हो मेरी बात को? तो मेरा सिर्फ तात्पर्य इतना सा है दोस्तों, समझो ये मोबाइल फोन है आपका, तो कम इस्तेमाल कीजिए, बेवजह स्क्रॉलिंग मत कीजिए। अगर मोबाइल का इस्तेमाल कर भी रहे हैं तो देखिए आधे से ज्यादा फालतू टाइम आप उसमें बिता रहे हैं। अगर आप स्टडी का काम कर रहे हैं, पढ़ाई का काम कर रहे हैं, वो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कुछ बिजनेस का कुछ काम कर रहे हैं आप कर सकते हो, ऑनलाइन कुछ काम कर रहे हो आप कर सकते हो, फ्री टाइम में आपको अध्यात्म की ओर ज्यादा थोड़ा वीडियो वगैरह देखने, आप कॉमेडी वीडियो देख सकते हो, भद्दी कॉमेडी नहीं, कुछ अच्छे अध्यात्म के पेजेस फॉलो कर सकते हो, कुछ ब्रह्मचारियों के बारे में थोड़ा सा ज्ञान ले सकते हो, बायोग्राफी किसी की पढ़ सकते हो, मोबाइल का सही इस्तेमाल करो दोस्तों। कई बार एक चिंगारी ही काफी है आपका ब्रह्मचर्य तोड़ने के लिए, क्योंकि हम अभी इतने सक्षम नहीं हुए, इतने मजबूत नहीं हुए हैं दोस्तों, टाइम लगता है। और ऐसे ही कुछ नाइटफॉल के साथ भी होता है दोस्तों, हमारे दिमाग में कुछ काम वासना का विचार चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, और रात में जब हम सोते हैं सबकॉन्शियस माइंड में वो बस जाता है, हम उसको दबाने की कोशिश करते हैं लेकिन सबकॉन्शियस माइंड उसे कैच कर लेता है और वो कहीं ना कहीं रात में चलता है और 3-4-5 बजे के बीच आपका नाइटफॉल हो जाता है, स्वप्न दोष हो जाता है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये सब घूम फिर के एक ही जगह आ रहा है। बात है आपको अपने जीवन में, आपको अपनी जीवन शैली में नियम कानून लगाने होंगे। बेवजह स्क्रॉलिंग से बचो, बेवजह मोबाइल का इस्तेमाल मत करो, बेवजह, ठीक है, अपना रूटीन अच्छा रखिए। शारीरिक आकर्षण जो हमारे अंदर आजकल जो आप देख रहे हो, दूसरी जो लड़कियों के प्रति शारीरिक आकर्षण बहुत हो गया हमारे अंदर, तो उसके बारे में मैंने वीडियो बनाया, उसको जाकर जरूर देखना। तो दोस्तों मेरा बस यही एक मोटिव रहा है कि शारीरिक आकर्षण को समझो, क्योंकि शुरुआत यहीं से हो रही है, पूरी जो एक लाइन चल रही है वो यहीं से चल रही है। समझ रहे हो? आपको अपना रूटीन अच्छा रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अभी 5 दिन आप ब्रह्मचर्य पालन करते हो, आप नियम कानून लगा के देखिए, थोड़ा मजबूती से पालन करके देखिए, कब 5 दिन से 50 दिन का आ जाओगे पता नहीं चलेगा। और नाइटफॉल दोस्तों होगा, बहुत से लोग कहते हैं कि मैंने कुछ गलत चित्रण नहीं देखा फिर भी नाइटफॉल हो गया, दोस्त समझो होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप ब्रह्मचर्य टूट गया मेरा, अरे मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, ऐसा नहीं है। गिल्ट नहीं करना है, परेशान नहीं होना है, आप एक तो परेशान बहुत हो रहे हो, जितना आपको नुकसान आपका हस्त मैथुन जो पहुंचा तो रहा है, लेकिन जितना और दिमागी जो पन से आपको वो डैमेज कर रहा है ना, अंदर ही अंदर जो खोखला कर रहा है, समझ रहे हो ना, मतलब जितना आप विचार रहे हो, अरे जितना अपने आप को कोस रहे हो, बिल्कुल गिल्ट कर रहे हो, बिल्कुल दबा रहे हो अपने आप को कि मैं नहीं करता रहा, उतने ही आप नीचे गिरते जा रहे हो।
अपने आप को परेशान मत करो ज्यादा, समझो ठीक है ना, नाइटफॉल हो रहा है, हो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान मत दो। आपका नियम कानून अच्छे बनाइए, रूटीन अच्छा रखिए, खट्टे पदार्थों से बचिए, रात में उल्टे सोने से बचिए। बहुत से युवा रात में उल्टे सोते हैं, इससे भी दिक्कत होता है। रात में मोबाइल चला के मत सो, एक घंटा पहले मोबाइल चलाना छोड़ दो, कोई बुक पढ़ के सो, अध्यात्म से रिलेटेड, आपका स्टडी आप जो कर रहे हो उससे रिलेटेड कुछ अच्छा, कुछ मतलब ऐसा जो इंस्पिरेशन हो आपके लिए उनको सुन के सोइए। कोई यूट्यूब पे कोई मोटिवेटेड वीडियो देख लीजिए, कुछ अच्छा देखिए सोइए, जिससे आपको लगे कि मजा आ गया, क्या सुन के सोया हूं है? थोड़ा अच्छे से सुबह उठ के अपनी ऊर्जा को कहीं और लगाइए, एक्सरसाइज कीजिए, सुबह जल्दी उठिए, 5 बजे करीबन उठ जाइए, एक्सरसाइज कीजिए, योग प्राणायाम कीजिए। बहुत से युवा नहीं करते हैं, लेकिन कोशिश तो कीजिए, एक्सरसाइज तो कीजिए, ये आपके शरीर की शरीर को मजबूत बनाएगा और ब्रह्मचर्य में आपको और ऊंचा लेवल लेके जाएगा, क्योंकि एक्सरसाइज भी आपके अंदर एक बहुत ज्यादा ऊर्जा भर देती है। आपके जो अंदर एक जो ऊर्जा पल रही है ना, उसको कहीं लगाने की जरूरत है, तो उसको कहीं लगाओ। कोई तो लक्ष्य होगा आपका जो आप जिसकी ओर बढ़ना चाहते हो, तो समझो दोस्तों कोई इतना मुश्किल नहीं है, परेशानियां आएंगी, लेकिन 21 डेज जो आप बना रहे हो उसको बनाओ, एक लक्ष्य मजबूती से पालन करो, बेवजह की एक्टिविटीज से बचो, पूरा फोकस ब्रह्मचर्य पे रखो, आप ब्रह्मचर्य में महारत हासिल कर लोगे दोस्तों, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, कोई भी प्रश्न हो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। नमस्कार।